इस वो कतार लग गई है, अब आपका इंतजार हो रहा है। अब तुम तकदीर की रहमत करम पे हो, अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे मेरी बच्ची। अरमान जी रस, ये कतार हमने तुम्हारे लिए लगवाई है, मगर सदोरी यहां से निकल गई, मैं तुम सबको जिंदा दफन कर दूंगा। सदोरी तो कब की यहां से निकल गई है? क्या कहीं वो मेरे पीछे हवेली तो नहीं चला गया? हाँ वही, क्या होगा वो? ये जेवर तेरे पास कहां से आए? लड़की की तलाश। हाँ आपसे क्या छुपाना, वो रेस की बांधी है। पर अदा जब वो है ना, ये पैसे उन्हीं को देना। अरे पागल, अदी ये तो रख ले। अदा गैर मर्द के साथ ताल्लुक बढ़ाकर खूब कालक मल दी तूने हमारे माथे पर। गैर मर्द? किस तरह की बातें कर रहे बाबा जी? नहीं मैं नहीं भागूंगा, मैं हकीकत का सामना करूंगा। हकीकत का नहीं, मौत का सामना करोगे तुम, मौत का। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? रईस की हवेली। नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगी। सुमल कहाँ है? उसे तो मैंने कमरे में बंद कर दिया है। पर चल के आने से पहले हमें रईस की हवेली पहुंचना चाहिए। आओ मेरे साथ, आओ आओ आओ। सुमल कहाँ जा रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? तुम खामोश क्यों? हैं? बताओ क्या हो गया तुम्हें? अरे बाबा कहाँ लेके जा रहे हो बताओ ना मुझे। तुम क्यों पूछ रहे हो पागल, हटो इधर से। शफी लेकर जा रहा है इसको? रईस की हवेली। अरे तुमको किसने इख्तियार दिया है? भाई मैं उसका। अब तुम इसका भाई नहीं हो, ये की और तुम इसे मारना चाहते हो। इसकी जगह अब सिर्फ और सिर्फ रईस की हवेली है। अरे इससे अच्छा है मोहम्मद। नहीं बत्तल भाई, नहीं बत्तल भाई, नहीं मारो, हटो। मारो बच्चे। बच्चल भाई वो ऐसी गलती नहीं कर सकती, मैं जानता हूँ उसे। हर बार हटोगे कैसे? नहीं बच्चल भाई, नहीं मार दे दूंगा। सफी हमारी पनाह में आने का मतलब है जिंदगी की कड़ी धूप से निकल कर साये में आना। डरो मत सुमल। सुमल जिनसे मुआशरा नाता तोड़ लेता है ना, उनसे रईस की हवेली हमेशा के लिए नाता जोड़ लेती है। अब तो तुम इस हवेली की बांधी हो सुमर। हाँ बांधी हो इस हवेली की तुम। अबे आरिफ का क्या बना? वो रईस भाग गया। लड़की बोले जाओ अंदर। पवन भाई जाओ, सुमल जाओ 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 जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें इस हवेली में, कुछ नहीं होगा। जाओ जाओ के सामने अपनी बेगुनाही का सबूत दे देता तो सारा पांडा।
जला फूट जाता और इस उसने सब कुछ अपने ऊपर साबित कर दिया है। कौन लाया तुम्हें इन कसाईयों के रेवड़ में? यहां आने से तो अच्छा था तुम्हारा गला घोंट देते। सच कहती है, रोज रोज मरने से तो एक दिन की मौत बेहतर है। बताओ ना बेटी, कौन हो तुम? लड़कियों जाओ, अपना अपना काम करो, जाओ, जान छोड़ो इसकी, बाद में कुरेद लेना जख्मों को, जाओ। सोमल इस तरह इज्जत की चादर फेंक कर हमें रुसवा कर देगी। इसका इलाज सिर्फ मौत ही है। मार दिया उसे। कीचड़ में रुलने के लिए आ गई, और अब ये कीचड़ सारी जिंदगी स्याह धब्बे की तरह तुम्हारे माथे पर दाग बनी रहेगी। बहुत सालिम है लोग इल्जाम लगाने से पहले ये नहीं सोचते कि कोई उसके इल्जाम को कैसे भुगतेगा। सिर्फ तुम नहीं हो बेटी, तरह के हालात से गुजरते आए हैं, गुजर रहे हैं। किसी के साथ कोई ज्यादती हुई है तो कोई ऐसे गुनाहों की सजा भुगत रही है जो उसने किए ही थे, और कोई किसी बदगुमानी का शिकार है। मैं नहीं आना चाह रही थी यहां पर। मुझे शफी मोहम्मद ने कहा कि रईस के साए में तुम्हारी जान बच जाएगी। जान बच जाएगी, ऐसे पिंजरे में क्या बचना
जहां पहले से खोर-खोर भेड़िये मौजूद हो। एक से बचोगी तो दूसरा निकल जाएगा तुम्हें। शफी शफी खुद क्या कम है किसी से। अम्मा, इस गुलामी से कोई इनकार नहीं कर सकता। मर्द शायद कर सकते हैं, लेकिन औरत इतनी कमजोर है कि इनकार के लिए जब भी आवाज उठाना चाहती है उसका गला घोट दिया जाता है। अब तुम्हारे बच्चे को क्या पिलाता होगा तुम्हारा ससुर? बेटी, इंसान की जिंदगी में बहुत लम्हे आते हैं। ये लम्हा तुम्हारी जिंदगी में उदासी का लम्हा है, दुख का लम्हा है, और जब इस लम्हे में बहुत अंधेरा छा जाएगा तो इस तारीकी में उजाले की एक किरण जरूर फूटेगी, और मुझे यकीन है कि उजाले की वो किरण तुम्हारे लम्हे को बदल देगी। नहीं बाबा, इस लम्हे ने मुझे कैद कर रखा है, पर काटती हैं मेरे। उड़ना चाहती हूँ, कहीं दूर जाना चाहती हूँ। अपनी मुराद के पास, लेकिन मैं जा नहीं सकती। ना बेटा ना, दिलों के मिलाप का रंग वही बनाता है। सारे लम्हे उसी के हाथों में हैं। हम सब तो कठपुतलियां हैं बेटा। कौन तमाशा, कौन तमाशाई है, ये राज तो वो ही जानता है। लेकिन बेटा, वो मन के सच्चे लोगों से बहुत प्यार करता है। तेरे मन में सच्ची मोहब्बत है तो बेटी तू सबर कर, तेरे मिलाप का रंग वो जरूर बनाएगा, जरूर बनाएगा। लेकिन मैं तो ये भी नहीं जानती कि अभी वो कहाँ है। सब लोग चले गए बेटा, तुम अपने घर नहीं जाओगे? घर
हाँ बाबा, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। मुझे दरवाजा बंद करना है। अच्छा, बाबा अगर आप बुरा ना माने, मैं सिर्फ आज रात यहां रुक जाऊं। बाबा बहुत थक गया हूं। बेटा मैंने कहा ना बेटा, यहां सो नहीं सकते बेटा, और वैसे भी मेरे पास एक ही कमरा है बेटा। बाबा आज रात की बात है, आपके कमरे में सो जाऊंगा, सुबह चला जाऊंगा मैं। बेटा मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरी बेटी भी है, तुम कैसे सो सकते हो? मैं बाबा मैं यही सो जाऊंगा। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ठीक है बेटा। पता नहीं कौन है बेटा, मुझे तो कोई दुखी इंसान मालूम होता है। कह रहा है कि बाबा रात में यहीं गुजारूंगा, तुम एहतियातन दरवाजा अंदर से बंद करना, मैं बाहर हूं, समझे बेटा? الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان you
जहर नहीं है। अब मैं माँ का दूध कहाँ से लाऊं तेरे लिए? ना ही मैं माँ का दूध ला सकता हूँ और ना ही तेरी माँ को ला सकता हूँ। अब तो मैं ही तेरी माँ हूँ बेटा, मैं ही तेरा बाप हूँ। पी ले, पी ले, पी ले। अल्लाह, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। ले बाबा, ये तेरे से ही चुप होता है, तू संभाल इसे। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे तू जिसके लिए रोता है ना, वो हम सबको बदनाम करके चली गई है, अब वो कभी नहीं आएगी। बदनामी समझता है? नहीं समझता। मासूम है ना? नहीं समझता। काश हम भी इसकी तरह मासूम होते। ये क्या है? खुद ही संभालो। मगर क्यों? मैं जा रहा हूं। और भेड़ बकरियां? नहीं चराऊंगा। मगर क्यों? वीरान हो गई है तुम्हारी बस्ती, कुछ नहीं रहा इसमें, मन नहीं लगता मेरा। जाएगा कहां? अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, कहीं भी चला जाऊंगा। देख मेहरबान, हाथ की रोटी ठुकरा के जा रहा है, भूखा मरेगा। चाचा, चरवाह कभी भूखा नहीं मरता। जा, हरियाली नजर आएगी, वहीं बैठ जाऊंगा, मेरा क्या है। देखा, इसका भी पेट भर गया है। मेरे होते वो जिंदा रहे। मारना चाहते हो उसे? आ रही है। लेकिन इस वक्त वो हमारे पनाह में है, इसीलिए हवेली के दरवाजे तक आए। एक शर्त पर हमें उसे तुम्हारे हवाले कर सकते। शर्त? इस हवेली की रस्म के मुताबिक एक तो उसकी जिंदगी की जमानत देनी पड़ेगी और इस हवेली के लिए कम से कम 3 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे। इतने पैसे तो है नहीं मेरे पास, और ये जिंदगी की जमानत वो मैं दे नहीं सकता। फिर किस हैसियत में आओ हमारे पास? क्यों फजूल में हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो?
हम दोनों रईस सांवल से भागे हुए। अच्छा, रईस से? ठीक है, तुम लोग जाओ आराम करो, बाद में बात करेंगे। अब तुम लोग मेरी पनाह में महफूज हो। डरो मत, मैं तुम्हारे रईस की पनाहगाह नहीं है, जहां पनाह के नाम पर लोगों को जलील किया जाता है। मेरी पनाह में तुम लोग हर तरह से महफूज हो। रईस के सामने पेशी है तुम्हारी, अब इस तरह उलझे हुए बालों में जाओगी तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी शामत आ जाएगी। तुम्हारी क्यों अम्मा? तुम इस जंगल में नई हो बेटी, लेकिन मैं उस पुरानी हिरनी की तरह हूं जिसे पता चल जाता है कि शिकारी को क्या चाहिए, उसकी नीयत क्या है और वो क्यों घात लगा के बैठा हुआ है। अम्मा, रईस मुझसे क्या पूछेगा? पता नहीं, इतना जरूर है कि वो पूछता जाएगा और तुम अपने वो गुनाह भी बताती जाओगी जो तुमने नहीं किए। बस आगे तुम्हारा काम नहीं, उसके बाद जिंदगी को गुनाह ही बना देंगे। हमसे रूठ कर कहां चली गई थी तुम? बड़ा खराब आ गई ना तुम हमारे पास। हमें यकीन था कि तुम जरूर आओगी। देखो, हम अब भी तुम्हारे इंतजार में हैं। अब रूठ कर मत जाना। सिर्फ तुम ही हमारे दिल की मलका सदोरी। जी, मैं सदोरी नहीं, मैं सुमन। बेटा तुम भी?
जी ठीक, आप ऐसा करें तो गवाहों का बंदोबस्त कर लीजिए। वो हो जाएगा। सही, वो रही सावल खान है। सावल खान जी। क्या चाहता है? सही, वो आपसे मिलना चाहता है। मकबूल साहब, अब क्या होगा? बैठो तुम लोग, मैं आता। बस आप मजीद जहमत ना उठाएं, उन दोनों को हमारे हवाले कर दें। ये शायद मुमकिन ना हो। क्यों? इसलिए कि मैं उन दोनों को पनाह दे चुका हूं। वो दोनों हमारे रवायत के मुजरिम हैं, रस्मों को तोड़कर भागे, और जो लोग रवायत के हदों को पार करते हैं उन्हें पनाह नहीं, सजा दी जाती है। माफ करना रईस, मैं जरा मुख्तलिफ ख्यालात का आदमी हूं। मेरे ख्याल में रवायत लोगों की भलाई के लिए बनती है, और मैंने इसी में इन दोनों की भलाई देखी है। तो आपके कहने का मतलब है कि मैं रवायत से नावाकिफ हूं? ये तो मेरा मतलब नहीं था, अलबत्ता कहीं रवायत फरसूदा हो चुकी है, और रवायत अब भी वही है। आप जैसे लोग जिन्होंने चार किताबें पढ़ रखी हैं, अपना फलसफा बोलने की कोशिश करते हैं। ये तो आपका ख्याल है रईस। तो आप उनको हमारे हवाले नहीं करेंगे? नहीं। सोच ले सावल खान, पनाह हमारी तहजीब की एक बेहतरीन कदम है। वो दोनों तुम्हारे रवैये से फरार होकर मेरी चौखट पर आए हैं, उन्हें अपनी हिफाजत में रखना मेरा फर्ज है। बुल साहब, आप रईस सावल खान से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। मैंने इन फैसलों में कभी नफे नुकसान का नहीं सोचा है रईस। चलो अमान। मौली साहब, मैं गवाहों का इंतजाम कर रहा हूं, आप जरा कुछ देर बाहर बैठ जाए। बेहतर। अख्तर, जी सर। रईस यहां कैसे पहुंचा? सही, खुद ही आया हुआ। मैं पूछ रहा हूं कि उसे इन दोनों की मौजूदगी का इल्म यहां कैसे हुआ? वो जवाब दो अख्तर। सही, वो अरमान आया था, पूछा बता दी। क्या तुमने? गद्दार, अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं, निकल जाओ यहां से। गलती हो गई, मैं आपको धोखा देना नहीं चाहता था। सही, तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई, मैं तुम्हें माफ कर दूं? इंसान की जगह कदमों में नहीं होती। तुमने जो गलती की है उसकी सजा बहुत बड़ी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि इस वक्त तुम यहां से चले जाओ। माफ कर, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। तुम्हारी गलती की वजह से मेरे आबाओ अजदाद की कदरों को जो नुकसान पहुंचा है उसका अंदाजा है तुम्हें? ये दोनों मेरी पनाह में हैं। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो पनाह जैसी कदर पर से लोगों का एतमाद उठ जाता। मैं मर जाऊंगा सही, आपको छोड़कर नहीं जा सकता। याद रखो, गलती सिर्फ एक बार, जिससे इंसान कुछ सीख सके, दोहराना नहीं।
कब तक छुपा के रखेगा उन दोनों को, कब तक? रईस और पानी पी उसे अभी तक हमारी ताकत का अंदाजा ठीक तरह से हुआ नहीं है। अरमान धीरज, तुम तो नजरों में आ गए। जुल्फी कहाँ है आजकल? वो कराची में है। क्या कर रहा है? वो अंडरग्राउंड है, वो जो केस हुआ था ना उस पर। उसे कहो बाहर निकल आए, जब तक मैं जिंदा हूं उस वक्त तक कुछ नहीं होगा उसे। फौरन मेरा पैगाम भेजो, वडेरे मकबूल का बंगला भी दिखा दो। जी हर हालत में मुराद मुर्दा और सदूरी जिंदा चाहिए।